ये 100, कॉर्नरिंग देखना आप स्टेबिलिटी गाड़ी की 120। बट जहाँ बात आती है गाइस XUV 300 की, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपने डीजल में उसको भी ऑप्शन रखा है ना, तो वो गाड़ी आपको नेक्सॉन से ज़्यादा रिफाइंड लगने वाली, ज़्यादा टॉर्की लगने वाली है। नेक्सॉन पेट्रोल लेने जा रहे हो तो सिर्फ आपको देने हैं 8 लाख रुपये, बट अगर आप नेक्सॉन डीजल बेस मॉडल लेने जा रहे हो तो सीधे आपको 11 लाख रुपये देने हैं। मैं यहाँ पर मैं आपको बॉडी रोल दिखाता हूँ, ये देखो गाड़ी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो यार, आज की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरे पीछे खड़ी है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन, और यार ये डीजल में है। डीजल में गजब की पावर मिलती है, आप सभी को मालूम है। मेरे चैनल पे सोनेट, वेन्यू और 300 तीनों के डीजल मॉडल पे ड्राइव डाल चुका हूँ, तो अपने अंकल ने स्पेशली ये गाड़ी ली है, तो यार आज प्रॉपर दौड़ा के देखने वाले हैं। मतलब एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट वाली ड्राइव रहेगी, राइवल से भी कंपेयर करेंगे, और स्पेशली ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है। तो जानेंगे कि यार आप अगर नेक्सॉन लेने का प्लान कर रहे थे तो एक कैसी क्या चॉइस रहने वाली है, पेट्रोल और डीजल में कन्फ्यूज हो तो वो भी आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। रियर लुक्स आपको कार के चेकआउट करा देता हूँ, बिकॉज यार इतने फ्यूचरिस्टिक लुक में इस बार नेक्सॉन को लॉन्च करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, नो डाउट यार नेक्सॉन के सेगमेंट किलर लुक्स तो कंपनी ने प्रोवाइड कर दिए, बट ये डीजल गाड़ी चलने में कैसी है, रिफाइनमेंट कैसी, सारी बातें करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, ये रही कार की कीज, चलते हैं इस डीजल रॉकेट को ड्राइव करने के लिए। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, पहले तो स्टार्ट कर लेता हूं। और जो सबसे कॉमन डाउट्स आते हैं ना कि यार डीजल में नॉइस कितना है, तो पहले तो आपको वो दिखा देता हूं मैं। इसको कर लेते हैं अपन न्यूट्रल में। इसको डालते हैं ड्राइव मोड पे और करते हैं गाड़ी को लॉन्च। अभी सिटी मोड पे चला रहा हूं गाइस, पंच देखो, टॉर्क और पावर तो आपको फील होने वाली है। और तभी यार जो भी कोई ड्राइविंग एंथुजियास्ट रहता है वो भी हमेशा डीजल इंजन के लिए जाता है। सबसे पहले स्टार्ट इसके इंजन स्पेक्स से करते हैं, पेट्रोल डीजल दोनों की बातें करेंगे। बट डीजल में आपको बता देता हूँ, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, पेट्रोल में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है 1.2 लीटर का। अब ये जो है आपको रेवेट्रॉन टर्बोचार्ज इंजन मिलता है डीजल, जो कि 113 bhp की पावर एंड 260 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क प्रोड्यूस करके देने वाला है। बट अभी जितनी भी बातें हैं ना हम करेंगे बाद में, पहले मैं डालता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे। और बनाते हैं इस गाड़ी को रॉकेट, लेट्स गो गाइस। ये गई 80, ये 100, कॉर्नरिंग देखना आप स्टेबिलिटी गाड़ी की 120। मतलब यार नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस दे रही है गाड़ी। बॉडी रोल की भी बात करते हैं थोड़ी, ये देखो कंट्रोल में रहती है गाड़ी, कहीं भी आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं होने वाला है। लेन चेंज करो, ब्रेकिंग करो, मेनली यार टाटा खेलती अपने वेट टू पावर रेशियो में, कभी भी बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो यार जब वेट में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती ना, सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपको ये लेन चेंज करने का। और डीजल गाड़ी का तो यार मज़ा ही ये है, और फ्रॉन्क्स हो, ब्रीजा हो, कौन सी भी गाड़ी हो, ये ओवरटेक कर लिया हमने। 6-speed AMT गियरबॉक्स इसमें आपको मिलता है, 120-130 बिल्कुल भी पता नहीं लगेगी। नॉइस आपको गाड़ी आइडल पोजीशन में देगी, बट जैसे ही आप इसको हायर RPMs पे ले जाओगे ना, केबिन में इतना नॉइस सुनाई नहीं आने वाला। इसको पैडल शिफ्टर्स के साथ भी चलाएंगे। पहले तो यहाँ से यू टर्न लेते हैं, टर्निंग रेडियस की भी बात करते हैं। देखो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, और मैं इंजन स्पेक्स पे ही रुक गया था, पहले तो इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। अब इसके जो भी कंपटीटर्स हैं ना, आपको ऑलमोस्ट उतनी पावर देने वाले हैं। वेन्यू की बात करें, साथ ही में अगर हम सोनेट की बात करते हैं, 113 से 15 bhp और 250 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। बट जहां बात आती है गाइस XUV 300 की, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने डीजल में उसको भी ऑप्शन रखा है ना, तो उसमें 115 bhp एंड 300 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क मिलता है उस गाड़ी में, तो वो गाड़ी आपको नेक्सॉन से ज्यादा रिफाइंड लगने वाली, ज्यादा टॉर्की लगने वाली है। एक ही आप पावर नहीं देख सकते हो, एक्सपेक्ट सारे एस्पेक्ट्स देखना पड़ते हैं। और यहाँ पर आप देखो इंटीरियर में एक अलग ही फील आ रहा है, स्टीयरिंग जब से गाड़ी में नेक्सॉन हैरियर सब में इतना फ्यूचरिस्टिक कर दिया है। साथ ही में पैडल शिफ्टर पे चला के देखते हैं, यहाँ पर मैनुअल 2-3 आ गया होगा, आप देख सकते हो मैनुअल में। जैसे ही मैं एक्सलेटर देता हूँ, आप इसको हायर RPMs तक खींच सकते हो मैनुअल में। और ये कर दिया मैंने चेंज,
और फिर से अगर आपको ऑटोमेटिक डालना है सिंपली इसको पीछे ट्विस्ट करोगे, ये आ गई अपने AMT मोड में। अब AMT है तो देखो गियर शिफ्टिंग आपको फील होने वाली, बिकॉज AMT का मतलब ही है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, तो एक हल्का सा लैग आता है फिर ये गियर चेंज करती है। अगर आप XUV300 का ऑटोमेटिक चलाओगे उसमें आपको अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, सारी कंपनियों के अपने अलग गियर बॉक्स रहते हैं तो आपको अलग अलग फील मिलने वाला है, बट ये स्टीयरिंग के साथ तो यार एक नेक्स्ट लेवल ही फील आ रहा है इस गाड़ी का। बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, सबसे पहले तो यार ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, बिकॉज आप एक सब कॉम्पैक्ट SUV ले रहे हो तो 208mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, सेगमेंट में सबसे बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन में मिलता है। साथ ही में लुक्स की बात करें, इंटीरियर की बात करें, सब में ये गाड़ी तबाही मचा रही है। तभी आप देखोगे ब्रीजा वन एंड ओनली पेट्रोल इंजन में आती है, और ब्रीजा का सेल कब का नेक्सॉन ने पीछे छोड़ दिया है। अब मैं वेरियंट्स इसलिए नहीं समझाने वाला हूँ बिकॉज यार वेरियंट्स की जहाँ बात आती है ना, मतलब यार 70 वेरियंट के ऊपर इस गाड़ी में वेरियंट दिए, मतलब पेट्रोल हो डीजल हो इतनी सारी चॉइसेस मिल जाती है, तो कस्टमर को खुद को आफ्टर मार्केट जाके कोई मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अब बीच के वेरिएंट्स में भी आपको सनरूफ के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जरूरी नहीं है टॉप वेरिएंट ही लेना है। बाकी व्यू की बात करें तो बोनेट व्यू काफ़ी अच्छा विजिबल है, ORVMs का व्यू प्रॉपर है, ऑटो डीमिंग के साथ IRVM मिल जाता है। पेट्रोल नेक्सॉन पर मैंने एक महीने पहले ड्राइव डाली थी, वो भी फियरलेस मॉडल ही था। पेट्रोल और डीजल में जमीन आसमान का फर्क है, और नो डाउट कंपैरिजन भी नहीं बनता। पेट्रोल में आपको 118 PS की पावर एंड सीधे आपको मिलता है उसमें 170 Nm का टॉर्क, तो पेट्रोल के हिसाब से वो 1.2 लीटर का इंजन काफ़ी बढ़िया पावर जनरेट करता है। बट जहाँ माइलेज की बात आती है ना, ये गाड़ी आपको गाइस 23 से 24 का माइलेज आराम से देने वाली है, नो डाउट उसमें। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो आपको डीजल की ओर ही जाना पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं प्राइसिंग की। नेक्सॉन पेट्रोल लेने जा रहे हो तो सिर्फ आपको देने हैं 8 लाख रुपये, बट अगर आप नेक्सॉन डीजल बेस मॉडल लेने जा रहे हो तो सीधे आपको 11 लाख रुपये देने हैं, तो 3 लाख रुपये एक्स शोरूम बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस भी हो तो सामने वाला सोचे यार मैं नेक्सॉन का बेस मॉडल ले रहा हूँ तो फिर डीजल की ओर चले जाऊँ, बट आपको सीधे 3 लाख का डिफरेंस मिलने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। बट ये बात है यार कि आपको फील लेना है, माइलेज चाहिए, तो फिर आपको इतने पैसे डालना पड़ेंगे। अब ये अपनी फैमिली में ही गाड़ी आई है, और इसके अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो इसको लिया है 18.5 लाख रुपये में, और यहीं से ली थी हमने गाड़ी। तो ओवरऑल देखो यार प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कर दी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपर वेरिएंट्स ले रहे हो तो आप दूसरे सेगमेंट पे भी स्विच हो सकते हो। लाइक इतने सेगमेंट में आपको मिड साइज SUVs आ जाएगी, लाइक क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, तो वो आपकी टोटली चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बट जहाँ स्पेसिफिक नेक्सॉन की वीडियो देखने आया हूँ, प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। कॉन्स तो बस यही है कि यार मैं ऑटोमेटिक वेरिएंट चला रहा हूँ तो इसमें मुझे डेड पैडल कुछ भी नहीं दिया, मतलब पैर रेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। साथ ही मैं दूसरे कॉन की बात करें तो थोड़ा मुझे इंजन नॉइजी लगा, बट वो है कि यार इसमें हरमन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम है। अभी मैं आपको वॉल्यूम बढ़ा के बताता हूँ। ये देखो टीम इंडिया को बहुत, इसकी जो बीट है, इसकी जो हरमन गार्डन का सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सेगमेंट में कौन सी भी गाड़ी प्रोवाइड नहीं करने वाली। तो ओवरऑल फीचर्स बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। एक चीज़ की कमी मुझे पर्सनली इसमें लगी, चारों व्हील्स में डिस्क दे देना था, बिकॉज आप XUV300 में देखोगे तो फ्रंट एज वेल एज रियर डिस्क ब्रेक मिलता है, बट इसमें आपको सिर्फ फ्रंट में ही डिस्क है, रियर में ड्रम है। बट ब्रेकिंग की बाइट देख लेते हैं एक बार। देखो ब्रेकिंग बाइट तो एकदम बढ़िया है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब थोड़े यहाँ पर सस्पेंशन की बात करते हैं, तो देखो यार सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बॉडी रोल दिखाता हूँ, ये देखो गाड़ी, मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना भाई, गजब का ही एक्सपीरियंस देती है। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा, देखो पीछे रोड देख के मैं ऐसी चला रहा हूँ गाड़ी, और हमारे हर्षिल भाई को हमेशा ही हंसी आ जाती है इस टाइप की ड्राइविंग में। बट गाइस देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही कंट्रोल में फील होती है। मैं इतनी प्रॉपर इसलिए चला पा रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी उतना कॉन्फिडेंस दे पा रही है। ओवरऑल तो देखो जहाँ लेने की बात आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा सोनेट और वेन्यू के कंपैरिजन में ये गाड़ी ज़्यादा सेफर भी है, ज़्यादा पावर भी आपको फील होने वाली है, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी लगने वाली है, और ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं। बट जहाँ 300 से कंपैरिजन की बात आती है, 300 में आपको पावर ज़्यादा मिल जाएगी, बट ये फीचर्स और ये फ्यूचरिस्टिक लुक्स नहीं मिलने वाले। तो ओवरऑल आपको फ्यूचरिस्टिक लुक्स का, सेफ्टी का, और पावर का, और माइलेज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। सो गाइस गो फॉर नेक्सॉन। एक दो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर्सनली मेरा तो टाटा का आफ्टर सेल्स काफ़ी बेकार रहा है, मतलब जितने शोरूम्स हैं ना वहाँ पर आफ्टर सेल्स बिहेवियर मुझे इतना खास नहीं लगता, तो आफ्टर सेल्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी रीसेलिंग जैसा तो कोई इशू नहीं है, सेफ्टी आप सबकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। ऑल राइट गाइज, यही था आज का मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन ऑन ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन डीजल वेरियंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।